ओनूर सारा को बुलाता है और उससे डिस्कस करता है कि इस साल ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ग्रेजुएट न्यूयॉर्क से आएंगे और किसी को उनका असिस्टेंट बनना पड़ेगा, और तुम बन सकती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? सारा कहती है, हाँ मैं बन सकती हूँ और मैं बनूँगी। ओनूर कहता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें डिटेल्स दे दूँ जिसके हिसाब से तुम सब कुछ प्लान कर सकती हो। ओनूर सारा से कहता है, तुमने अपना रिजल्ट देखा है और अपने स्टूडेंट का? सारा कहती है, मुझे अपना रिजल्ट पता है लेकिन सलीम का नहीं पता। ओनूर सारा से कहता है, जाओ जाकर पता करो। सारा कहती है, ठीक है। सारा सलीम के पास जाती है और सलीम से पूछती है। सलीम उसको खुश होकर बताता है, मेरा बी ग्रेड आया है। सारा कहती है, गुड जॉब। सलीम सारा से पूछता है, तुम्हारे कितने ग्रेड आए? सारा कहती है, तुम्हें क्या लगता है? वो बोलता है, सारा कहती है, हाँ। सलीम कहता है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, मांगो क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? सारा कहती है, मैं चाहती हूँ तुम सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाओ। सलीम कहता है, कितनी बोरिंग हो तुम सारा। असैना वो पैसे ले जाकर अपने डैड को देती है। उसके डैड मना करते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड के पैसे मैं नहीं लूँगा। असैना कहती है, ये मेरे पैसे हैं, और ज़बरदस्ती अपने डैड को दे देती है ये कहकर के बाथरूम की ये रेनोवेशन करा लीजिएगा। उसके बाद असैना वहाँ से चली जाती है और बाद में बिरजिक से जाकर मिलती है। बिरजिक असैना से पूछती है, तुमने मेरी मॉम को क्या बोला है कि सलीम मेरे साथ खेल रहा है? बिरजिक उससे कहती है, मेरे पीठ पीछे बात करना बंद कर दो, जो बोलना है मेरे मुँह पर बोला करो। असैना समझी, और मेरे और सलीम के बारे में बात करनी बंद कर दो, इस मैटर में तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है तो इससे दूर रहो। असैना बिरजिक पर गुस्सा करती है और उससे कहती है, मुझसे ऐसा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और अच्छा ही हुआ आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, एक जहरीले सांप जैसी हो तुम। बिरजिक कहती है, अब समझ आ गया ना, तो दूर रहो मुझसे और अपने बराबरी वालों से पंगा लो। असैना उसको बोलती है, तुम छोटे बच्चे की तरह सलीम के पीछे पड़ी हो, जबकि सलीम ना तो तुम्हें भाव देता है और ना तुम्हारी तरफ ध्यान देता है। नील अपने इयररिंग्स को लेके परेशान हो, एहसान उससे पूछता है, तो ओनूर उसे बताता है नील का इयररिंग खो गया है जो आपने उसे 18 बर्थडे पर दिया था। ओनूर सलीम से कहता है, अपना रिजल्ट बताओ डैड को। सलीम कहता है, मुझे बी ग्रेड्स मिले हैं। असैना हंसने लगती है और कहती है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? एहसान कहता है, सच में? ओनूर कहता है, हाँ। ओनूर बोलता है, सब सारा की वजह से हुआ है, उसने सलीम की हेल्प की है। ईशान कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें उसे गिफ्ट देना चाहिए। सलीम कहता है, आप टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। पिनार सारा से पूछती है, बुराक ने सलीम को बताया कि वो तुम्हारे घर आया था? सारा कहती है, मुझे नहीं पता। पिनार कहती है, अगर बताया होता तो तुम्हारी लड़ाई हुई होती। सारा पूछती है, ऐसा क्यों? पिनार कहती है, मुझे लगता है सलीम को क्रश है तुम्हारे ऊपर, मेरी गट फीलिंग कह रही है। सारा की मॉम सुन लेती है सब और पूछती है, सलीम कौन है? सारा की फ्रेंड बताती है, सलीम उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसके ओनर एहसान कुतलुसाई का बेटा है, और वो सारा से प्यार करता है लेकिन सारा प्यार नहीं करती उससे। ये सुनकर सारा की मॉम वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, और रूम में जाकर बोलती है कि अब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। अब वो स्टेज पर है और सोचती है, अगर वो एहसान की तरह हुआ, बिल्कुल जो एरोगेंट था और किसी चीज़ को अप्रिशिएट करने वाला नहीं था। सारा की मॉम बोलती है, अगर मैं अपनी बेटी को अपनी तरह भुगतने नहीं दूंगी। असैना एहसान को भड़काती है और उससे कहती है, तुम सही नहीं कर रहे हो, नील ने इतना महंगा इयररिंग खो दिया और तुमने उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा दूसरा इयररिंग लाने के लिए बोल रहे हो। ऐसे करके तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, ना तो उन्हें तुम्हारी कद्र होगी ना तुम्हारी पैसे की। एहसान कहता है, इयररिंग ही तो है और मैं उसको क्या इतनी छोटी सी बात के लिए डांटूं या सज़ा दूं? असैना कहती है, डांटो मत, लेकिन उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है तुम वो उनके सामने ला के रख देते हो, और जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो चीज़ हटा देते हो, और ऐसा करके बिगड़ गए हो। फिर तुम कहते हो वो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में, और उन्हें अपने लिए खुद मेहनत करने दो। ओनर यूनिवर्सिटी के मैनेजर को बताता है कि उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करा है और उसका नाम अली है, अली असैना का भाई है, और उसका ध्यान रखना। सलीम सारा के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा कभी घूमने फिरने का टाइम नहीं होता? सारा कहती है, मैं हैरान हूँ तुम्हें पढ़ाई के बाद टाइम कैसे मिल जाता है। सलीम सारा को बताता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सारा कहती है, कैसा सरप्राइज़? अगर तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सलीम बोलता है, इसलिए मैं यही सोच रहा था, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। सारा कहती है, अभी आगे हमें और बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है, तुम क्या मुझे सरप्राइज़ और गिफ्ट्स ही देते रहोगे?
सलीम कहता है, फिक्र मत करो, मुझे उन लोगों को गिफ्ट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो उन्हें डिज़र्व करते हैं, और इनफैक्ट मुझे पसंद है उन्हें गिफ्ट देना। सहरा सलीम से कहती है, चलो मैं पढ़ाई करने के बाद तुमसे मिलती हूँ। सलीम कहता है, ओके सी यू सून। सहरा की फ्रेंड सहरा को कॉल करती है और बताती है होटल में एक इवेंट है और उसके लिए वर्कर की ज़रूरत है, तो उसे भी आना होगा और वो किचन में हेल्प कर सकती है, और ऐसा करने से उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। बुराक सहरा से मिलने आता है और उससे कहता है, मेरे फ्रेंड की एक स्टोर की ओपनिंग है, तुम मेरे साथ चलोगी? सहरा उसे मना कर देती है और कहती है, जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ाई करनी है। बुराक वहाँ से चला जाता है। सहरा के घर पर कोई गिफ्ट्स और फ्लावर्स भिजवाता है जिसे उसकी मॉम अटेंड करती हैं। सलीम सहरा को कॉल करता है, उसे बताता है, मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें ईमेल कर दिया है, तुम देख लेना। सहरा घर जाती है और देखती है वहाँ टेबल पर फ्लावर्स और गिफ्ट्स रखे होते हैं। वो पूछती है, कहाँ से आए? सहरा की मॉम बोलती हैं, तुम्हारे लिए है। उस पर सहरा के लिए नोट होता है जिसे वो पढ़ती है, उस पर बुराक लिखा होता है और सहरा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईसान असैना को एक चेन और पेंडेंट गिफ्ट करता है जिसे देख के असैना खुश हो जाती है। सहरा कॉलेज जाती है और वहाँ जॉब वैकेंसीज का पूछती है नाजली के लिए। सलीम उसकी बातें सुन लेता है, उससे कहता है, अगर तुम जॉब ढूंढ रही हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और नाजली को जॉब दे देता है। सहरा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। बुराक और ब्रिजिक बातें कर रहे होते हैं कैफेटेरिया में। ब्रिजिक बुराक से कहती है, सलीम सहरा को लाइक करता है और उस पर ट्राई कर रहा है कि सहरा उसकी हो जाए, और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, बुराक ये सही नहीं है। तभी वहाँ ज़ैनब आ जाती है और बताती है, मैंने सलीम और सहरा को एक साथ देखा है और देख के लग रहा है था कि सलीम सहरा से प्यार करने लगा है। बुराक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सलीम बुराक को हाय बोलता है, बुराक उसको रिस्पॉन्स नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। सलीम लड़कियों से पूछता है क्या हुआ, लड़कियाँ कहती हैं मुझे नहीं पता। सलीम कहता है, चलो मैं देखता हूँ। को सहरा मिलती है और बुराक से कहती है, आइंदा मेरे घर कुछ मत भेजना। बुराक कहता है, ये बस फ्लावर्स थे, तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो सहरा। ब्रिजिक एडा ज़ैनब सलीम सब वहाँ आ जाते हैं। बुराक सहरा से बात कर रहा होता है और उन्हें बात करता है, देख ब्रिजिक उल्टे सीधे कमेंट्स करती है। सलीम कहता है, स्टॉप कमेंटिंग। ब्रिजिक कहती है, बुराक सहरा से प्यार करता है। ये सब सुन के एडा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या ये सब सच है? बुराक पर गुस्सा कर रही होती है। ये सब देखकर ज़ैनब कहती है, लग रहा है ये दोनों किसी बात पर लड़ रहे हैं, उन्हें देख के ये नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सहरा बुराक पर चिल्लाने लगती है, बुराक देखता है वो चारों उन्हें देख रहे हैं, तो बुराक सहरा का हाथ पकड़ता है और बोलता है, सहरा नॉर्मली बात करो, सब देख रहे हैं। सहरा कहती है, मेरा हाथ छोड़ो बुराक। बुराक सलीम को दिखाने के लिए सहरा को किस करता है और सहरा उसको थप्पड़ मार देती है सबके सामने। बुराक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी सलीम भाग के बुराक को रोकता है।